गाइज वेलकम बैक टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी गाइज गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ गाइज। सो गाइज आज मैं DLF फेस 2 की प्राइम लोकेशन पे हूँ। सो आज गाइज मैं आपको एक रेडी टू मूव 300 गज का एक बिल्डर फ्लोर दिखाने लेके आया हूँ। सो गाइज आप देख रहे हैं एक कॉर्नर का हमारा बिल्डर फ्लोर होने वाला है। सो अगर गाइज मैं इस लोकेशन की बात करता हूँ, सो जस्ट आपकी 1 मिनट ड्राइव है, जस्ट योर 200 मीटर फ्रॉम योर सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन। सो इतनी प्राइम लोकेशन पे गाइज आपको ये मैं बिल्डर फ्लोर लेके आया हूँ। सो गाइज अगर मैं इस बिल्डर फ्लोर की बात करता हूँ तो एक ये वैल्यू फॉर मनी डील होने वाली है आपकी। अगर जब मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो इन्होंने बेस्ट इन क्लास इंटीरियर कर रखा है और जिस प्राइस पॉइंट पे गाइज आपको ये डील मिलने वाली है। सो आइए चलिए एक बार इसका अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो टूर। सो गाइज एंट्री करते ही आप ये देख पा रहे हैं, सो दिस इज द वीडियो डोर फोन। सो स्टार्टिंग में फर्स्ट सिक्योरिटी पॉइंट आपको आपके मेन डोर पे मिल जाता है, कोई भी आ रहा है चारों फ्लोर्स के लिए वीडियो डोर फोन मिल जाता है। अगर आप वहाँ से एक्सेस ही करेंगे देन ही आपका जो है मेन डोर अनलॉक होता है। ये गाइस आप मेन डोर देख रहे हैं, आप मेन डोर पे भी देखोगे सो कितनी अच्छी जो है वुडन फिनिश इन्होंने कर रखी है। एंड गाइस एज वी एंटर यू सी दिस टिल्ट एरिया। सो गाइस पर फ्लोर यू विल गेट 2 कार पार्किंग हेयर। सो यहाँ पे जो है सभी की 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग रहेगी, और ऐसा भी नहीं है जनरल फ्लोर्स में आगे पीछे है, तो सभी फ्लोर्स के लिए डेडिकेटेड जो है दे हैव प्रोवाइडेड द गेट। और आप देख रहे हैं इन्होंने स्टिल्ट एरिया में भी कितना अच्छा फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। सो आइए आगे चल रहे हैं। माय लेफ्ट हैंड साइड जो है सभी फ्लोर्स के लिए दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर। सो आप अपना सर्वेंट यहाँ पे रख सकते हैं। गाइज एंटर करती ऐसा नहीं है कि सपोज आपका कोई गाड़ी साफ करने वाला सुबह आ रहा है, सो अगर कोई आपके घर के अंदर एक्सेस कर गया सो दे कैन एंटर योर हाउस टू। सो आपका जो सेकंड चेक पॉइंट है गाइज वो यहाँ पे आ जाता है। सो एज यू कैन सी दिस गेट, सो ये गेट है, ये आपका जो है कार्ड और पिन एक्सेस से रहेगा। सो यहाँ से अगर आप अपने इसको आप अपने फ्लोर से भी अनलॉक कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई भी आ रहा है सो वो यहाँ से पहले अनलॉक करेगा देन ही आपके फ्लोर पे एंट्री होती है। सो यहाँ से चलते गाइज वी एंटर टुवर्ड्स आर लिफ्ट लॉबी। सो ये हमारी एक लिफ्ट आ गई एंड दिस इज योर स्टेयरकेस। आइए चलिए मैं फ्लोर पे चल रहे हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये मैंने एंट्री करी, ये लिफ्ट आ गई, सामने स्टेयरकेस। एंटर करते गाइज आपको एक ह्यूज साइज का यूरोपियन स्टाइल डोर मिल जाता है विद योर फिंगरप्रिंट एंड कार्ड एक्सेस। सो एक डोर सेट का आपको अच्छी क्वालिटी का, अगर आप इसके डोर की गाइज वेट और लेंथ देखेंगे सो एक अच्छी क्वालिटी का आपको डोर मिल रहा है। एंड गाइज एंटर करते ही वी एंटर टुवर्ड्स आर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसमें गाइज अगर आप ये फ्लोरिंग देख रहे हैं सारी आपकी इंपोर्टेड इटालियन मार्बल का यूज़ किया गया है। और गाइज अगर आप देख रहे हैं डाइनिंग एरिया में भी जो है बिल्डर ने 2 ACs आपको प्रोवाइड किए डेकन के। और जैसा कि गाइज मैं आपको इसमें बता रहा था कि एक आपकी ये कॉर्नर की यूनिट है, सो आप कॉर्नर की यूनिट का गाइज व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना आराम से 6 to 8 seater डाइनिंग टेबल जो है सेटअप कर रहे हैं, और ये आपको गाइज पूरा यहाँ पे ग्लास मिल जाता है। सामने आपको 12 मीटर की रोड आपकी इधर है, सॉरी 18 मीटर की रोड आपकी मेन है, फ्रंट वाली रोड 12 मीटर की है। नीचे अगर मैं बात करता हूँ आपके स्टिल्ट लेवल से भी गाइज आपको एक्स्ट्रा जो है विजिटर पार्किंग मिल जाती है अपने प्लॉट के साथ। डाइनिंग एरिया के साथ गाइज जस्ट आगे जाते ही दिस इज़ आर लिविंग एरिया। सो एक अच्छा आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको एल शेप टाइप सोफा लगा सकते हैं, 8 to 10 seater आपका आराम से आ जाएगा। एक इसके साथ हमें अटैच बालकनी मिल जाती है, ये मैं आपको जो है फर्स्ट बेडरूम से दिखाऊंगा। आइए चलिए किचन की तरफ चलते हैं। सो गाइज किचन में एंटर करते यू सी दिस इज द फुली मॉड्यूलर किचन बिल्डर इज प्रोवाइडिंग। एंड गाइज अगर आप इसमें किचन का लेआउट भी देखेंगे ना, देखने पूरा यूरोपियन स्टाइल में जो है इन्होंने किचन डिजाइन की है विद योर चिमनी होब माइक्रोवेव एंड OTG सारी बिल्डर आपको फिटिंग करके दे रहे हैं। यहाँ पे आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर का स्पेस आ गया, सो आप देख सकते हैं स्पेस का अच्छा यूसेज किया हुआ है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। एंड गाइज दिस इज योर पेंट्री एरिया। सो सारा काम बिल्डर आपको एक अच्छा टॉपनोच काम करके दे रहा है। अगर मैं गाइज इधर इसमें किचन के साथ भी बात करता हूँ सो यू गेट एन अटैच बालकनी जो कि मैं आपको फर्स्ट बेडरूम के साथ दिखाऊंगा। दिस इज द गाइज सिंक, आप देख सकते हैं सारा जो है काम अच्छा कर रखा है। आइए फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम और यू कैन से गेस्ट बेडरूम, जस्ट हमने एंटर किया है। एंटर करते ही लिविंग एरिया के साथ में आपको ये बेडरूम मिल जाता है विद योर अटैच वार्डरोब। सो आप वार्डरोब भी देख रहे हैं, इसमें भी सारी आपकी जो है मोशन सेंसर लाइट्स का यूज किया गया है। सो गाइज दिस आर दी वार्डरोब्स। सो गाइज दिस इज योर अटैच वॉशरूम। सो आप देख सकते हैं आपको एडिक्वेट साइज का वॉशरूम मिल जाता है विद योर शावर पार्टीशन। सो आइए एक बार अटैच बालकनी की तरफ चलते हैं। गाइज इसकी बालकनी बड़ी अच्छी लगी मुझे, अभी आप भी देखेंगे। सो गाइज दिस इज योर बालकनी। सो ये हमारी बालकनी हमारी किचन के साथ अटैच्ड है, और यही सेम बालकनी हमारी लिविंग रूम के साथ भी आ जाती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है बेड पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। यही सेम बालकनी हमारी लिविंग एरिया के साथ है, फर्स्ट बेडरूम एंड योर किचन। और यहाँ पे अभी इसकी एक बार लाइट्स ऑन नहीं है। सो अगर मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाऊँ, पूरी प्रोफाइल लाइटिंग जो है बिल्डर ने बालकनी में भी कर रखी है। सो एक उससे आपको ये अच्छा व्यू मिलता है। एंड गाइज अगर आप देखिए यहाँ पे इतना स्पेस है, कोई आप अपना
चेयर टेबल लगा के कुछ बारबेक्यू टाइप सेटअप करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, कोई फैमिली गैदरिंग, सो आप एक कर सकते हैं। आप आराम से शाम को बैठे हैं, सामने कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, राइट में भी आपको पेड़ मिल जाते हैं, सामने भी एक आपको कॉर्नर का अच्छा व्यू मिल रहा है, सो उसका भी एक अच्छा ही गाइज अलग ही बेनिफिट है। एंटर करते गाइज एक हमारा जो है सेकेंड वॉशरूम ये आ जाता है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बेडरूम के साथ भी अटैच है। गाइज दिस इज योर सेकेंड बेडरूम विद एन अटैच वार्डरोब एंड अटैच वॉशरूम। सभी वॉशरूम के गाइज अगर आप साइजेस देखेंगे तो आपको एक एडिक्वेट साइज मिल जाता है वॉशरूम में भी। एंड सभी अगर मैं बेडरूम से बात करता हूँ सो यू गेट स्प्लिट एसीज इंस्टॉल्ड। सो इसी से आगे चलते गाइज वी एंटर टुवर्ड्स आवर थर्ड बेडरूम। एंड गाइज अगर आपने इसमें एक चीज़ और देखी होगी कि मैंने आपको जो बेडरूम्स का लेआउट दिखाया ना, ऐसा नहीं है कि घर में आपके घर में किसी ने एंटर किया सो एक ही व्यू में आपको पूरा जो है फ्लोर विजिबल हो रहा है। तो इन्होंने क्या है सभी रूम से पैसेज बना दिए, जैसे कि एक रूम आपका इस साइड आ जाता है, एक इस साइड है, एक मेरा लेफ्ट साइड में आ रहा है, और एक जो गेस्ट बेडरूम है वो आपका लिविंग एरिया के साथ दे दिए। तो उसमें क्या है आपका पूरा फ्लैट एक ही उसमें विजिबल नहीं होता, सभी आप यहाँ से भी एंटर कर रहे हैं, आप ये ब्लैंक वॉल देख रहे हैं, सो यहाँ पर भी आप कोई अच्छा टाइप का वॉल आर्ट या फ्रेम कुछ भी लगा सकते हैं, सो उससे आपकी फ्लोर की लुक और एनहेंस हो जाती है। एंड गाइस दिस इज द योर थर्ड रूम विद एन अटैच वार्डरोब एंड अटैच वॉशरूम, और इसमें एक अटैच बालकनी भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज गाइस वॉशरूम यू कैन सी, जो अगर मैं बात करता हूँ गाइस वॉशरूम में भी दे हैव इंस्टॉल्ड द इंपोर्टेंट मार्बल। एंड गाइस दिस इज द अटैच बालकनी, सो ये हमारी जो है थर्ड रूम और फोर्थ रूम दोनों के साथ अटैच है। एक ये भी आपको रनिंग बालकनी मिल जाती है, ये आपका साइड का रोड आ गया, सो एक अच्छा आपको जो है ये फ्लोर मिल रहा है विद योर प्रॉपर वेंटिलेशन। सो गाइज दिस इज द मास्टर बेडरूम। अगर मैं इसके साइज की बात करता हूँ अप्रोक्स आपका 17x12 का है, सो आप यहाँ पे एक आराम से किंग साइज का बेड साथ में स्टडी टेबल लगा सकते हैं। एंड गाइज दिस इज द सेम अटैच बालकनी जो मैंने आपको थर्ड बेडरूम के साथ दिखाई थी, और इसके साथ में गाइज ये इसकी वार्डरोब आ गई, दो फुल साइज की आपको वार्डरोब्स मिल जाती है। अगर आप वार्डरोब्स भी देखेंगे सो आपके मोशन सेंसर लाइट के साथ एक अच्छा आपको वार्डरोब के अंदर स्पेस मिल जाता है विद एन अटैच वॉशरूम। सो गाइज वॉशरूम में एंटर करते ही आप देख सकते हैं ये एक अच्छा मिरर आ गया। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। एंड गाइज दिस इज द मास्टर बेडरूम वॉशरूम। अगर आप मैं सभी वॉशरूम में वैसे बात करता हूँ सो गीजर्स वगैरह सब कुछ जो है आपके इंस्टॉल्ड है। एंड गाइज आप जैसे ये देख पा रहे हैं ये कितना अच्छा इन्होंने जो है बाथरूम में भी काम किया हुआ है, सारा जो है आपका ब्लैक स्टोन लगाया हुआ है, सो अच्छा काम किया हुआ गाइज। चलिए आगे बात करते हैं। सो गाइज आइए मैंने अभी जैसे आगे चलते हैं गाइज अगर आप देखेंगे पूरा इन्होंने जो है फ्लोर की अलग ही स्टाइल में लुक दे रखी है। ये गाइज आपका जो है वाईफाई रोटर आ गया। एंड गाइज आपने ये देखा होगा ये डाइनिंग एरिया में कितना अच्छा इन्होंने शेडलर लगाया हुआ है। सो गाइज आप ये भी देख सकते हैं कितनी अच्छी इन्होंने जो है एल्युमिनियम की पैनलिंग करी हुई है। सो आपको यहाँ पे भी जो आपके नॉइस रिडक्शन डोर्स मिल जाते हैं, सो एक आपको अच्छा व्यू भी मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ा शाम का भी टाइम होगा। अगर मैं बालकनी में बात करता हूँ कितनी अच्छी जो है इन्होंने प्रोफाइलिंग लाइट्स लगाई हुई है, सो अगर आप यहाँ पे भी अच्छा एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस जैसे मैंने भी आपको पूरा प्रॉपर्टी का टूर करा दिया, सो अभी थोड़ा प्रॉपर्टी की डिटेल्स की और उसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सो गाइस अगर मैं प्रॉपर्टी की सबसे पहले लोकेशन की बात करता हूँ सो ये DLF फेज 2 की लोकेशन आती है। अगर मैं यहाँ से गाइस MG रोड की बात करता हूँ जस्ट आपका 200 मीटर की ड्राइव है, एक मिनट में गाइस आप यहाँ से MG रोड सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे पहुँच सकते हैं। MG रोड 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। अगर मैं यहाँ से गाइस डेली नीड्स की मार्केट की बात करता हूँ सो मार्केट आपकी जस्ट 2 मिनट्स की ड्राइव पे है। यू गेट मॉल्स नियर बाई योर MGF मॉल, मेगा मॉल, सो आपको यहाँ पे सारी डेली नीड्स मार्केट। अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ यहाँ पे आपका शेरवुड कॉन्वेंट स्कूल, अमेरिकन मोंटेसरी स्कूल, पास में आपका जो है श्रीराम स्कूल आ जाता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू साउथ दिल्ली आप डायरेक्ट MG रोड से छतरपुर होते हुए साउथ दिल्ली पहुंच सकते हैं। आपका IGI एयरपोर्ट पास में है। सो गाइज ये लोकेशन ऐसी है बिल्कुल, मैं अगर बात करता हूँ सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द गुड़गांव। सो इस लोकेशन पे गाइज आपके लिए 300 गज का ये कॉर्नर का मैं फ्लोर लेके आऊँगा। गाइज अगर मैं बात करता हूँ सो ये इसमें जो आपके सभी फ्लोर सोल्ड आउट है, जो मैंने भी आपको अपर ग्राउंड फ्लोर दिखाया है सो ओनली दिस फ्लोर इज़ अवेलेबल। एंड गाइज अगर मैं इस प्रोजेक्ट में प्राइसिंग की बात करता हूँ सो द आस्किंग ऑफ दिस फ्लोर इज 3.75 CR। यस यू हर्ड इट राइट। सो गाइज अभी आपने देखा है जो इसमें आपको बिल्डर है सारा सेम काम करके दे रहा है लाइक योर इटालियन फ्लोरिंग। अगर मैं बात करता हूँ सभी बेडरूम्स में लिविंग डाइनिंग में दे आर प्रोवाइडिंग यू डेकन AC। स्टिल्ट लेवल पे आपकी जो है 2 आपको कवर डेडिकेटेड कार पार्किंग मिल जाती है। आपका एक फुली सिक्योर्ड एरिया है गाइज। DLF फेज 2 की एक ही ऐसी लोकेशन है DLF फेज में मैं बात करता हूँ जिसके अंदर आपकी पूरी फेज में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। जो भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है दैट इज़ आउटसाइड द फेज। सो एक आपको अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि आपका पूरा सिक्योरिटी वाइज भी अच्छा है और जस्ट आप 2 मिनट में अपनी जो है डेली नीड्स कमर्शियल मार्केट पे भी पहुंच जाते हैं, मॉल्स पे भी।
सो गाइज DLF ऑल्सो हैज लॉन्च देयर न्यू फ्लोर्स इन DLF सिटी फेज 1, 2, 3 and 4, जिसमें मेरे पास कुछ डुप्लेक्स ऑप्शंस भी अवेलेबल है, रेडी टू मूव भी इन्वेंट्रीज है फेज 2 में, फेज 3 में, फेज 4, फेज 1, सभी फेजेस में अवेलेबल है। सो गाइज अगर आपको इस बिल्डअप फ्लोर के रिगार्डिंग अगर और भी कोई क्वेरी है, मैंने आपको प्राइस तो बता दिया, वीडियो दिखा दिया, अगर आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं इस बिल्डअप फ्लोर को या DLF में कोई भी बिल्डअप फ्लोर अगर आप बुक करना चाहते हैं, सो आप हमारे नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट डील एट द बेस्ट प्राइस एंड एट द बेस्ट टाइम। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. For more such interesting videos, please subscribe to our channel. Thanks, bye.